हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है मेरी चैनल पे गार्डनिंग विद एल्विका। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पोथोस के बारे में, यानी मनी प्लांट के बारे में। और ये जो पौधा है, ये मार्बल पोथोस है। ये मेरे घर के अंदर रखा हुआ था, पूरे इंडोर में था ये पौधा, और अभी मैंने लाके यहाँ पे घर के एंट्रेंस पे रखा है। यहाँ पे सुबह की धूप आती है, इसलिए मैंने ये पौधा लाके यहाँ पे रखा है ताकि इसको भी सुबह की धूप लग जाए। और और ये पौधा कॉमन पौधों से, इसमें वेरीगेटेड भी है, दोनों मिक्स करके लगाया है। ये पहले से ही हमारे घर के एंट्रेंस पे रखा हुआ है, इसीलिए ये पौधा देखिए कितना बुशी हो गया और कितनी हेल्दी ग्रोथ है इस पौधे की। और जब भी इसके पत्ते पीले हो जाते हैं, तब हमें ऐसे पीले पत्ते निकालना है। और जब भी हम इस पौधे को पानी देते वक्त इस पौधे को अच्छी तरह से नहलाना है, तभी हमारे ये पौधा, इसके पत्ते बहुत ही शाइनी और खूबसूरत दिखता है। जब हम इस पौधे को पानी नहीं देना होता तो भी हम स्प्रे बॉटल से इसकी पत्ते अच्छे तरह से वॉश कर सकते हैं। और इस पौधे को शुभ भी माना जाता है, बहुत से लोग इस पौधे को शुभ माना जाता है, और ये पौधा लगाने से पैसा आता है, धन आ जाता है। ये बात तो मैं मानती नहीं हूँ, लेकिन ये पौधा एयर प्योरीफाइंग तो है ही, और ये पौधा लगाना बहुत ही इजी है। इसकी कटिंग से हम इजीली पानी में प्रोपोगेट कर सकते हैं, नहीं तो हम पानी में भी रख सकते हैं इस पौधे। और ये देखिए, इसकी मिट्टी पूरी सूख गई है। जब हम इसको पानी देना होता है, तब हम इसके पौधे की मिट्टी देखना है। जब इसकी मिट्टी ज़्यादा गीली हो, तब हम इस पौधे को पानी देने की ज़रूरत नहीं है। हफ्ते में एक बार पानी दे सकते हैं। मैं भी इस पौधे को हफ्ते में एक ही बार पानी देती हूँ। जब इसकी मिट्टी ऐसे सूख जाती है, तभी हम इस पौधे को पानी दे सकते हैं। जब इसकी मिट्टी गीली हो, तब इसको पानी देने की ज़रूरत नहीं, रोज़ इसको, इस पौधे को पानी देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और ये पौधा बहुत ही हार्डी है, इसकी ज़्यादा केयर लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब ये पौधा हम लगाते वक्त इसको कोई कंपोस्ट, हमारे पास जो भी कंपोस्ट रहता है, गोबर की खाद या जो भी कंपोस्ट रहता है, वही कंपोस्ट हम पॉटिंग मिक्स करके ये पौधा लगा सकते हैं। और बार बार इसको कोई कंपोस्ट देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और जब हम इस पौधे को ऐसे कटिंग से भी पानी में भी लगा सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने पिछले साल मैंने ये जब ये पौधा कटिंग किया था, तब इसका छोटे छोटे कटिंग्स मैंने ऐसे कप में लगा रखे हैं। ये इंडोर में रखती हूँ हमेशा। ऐसे कप में लगाए हुए पौधे हम पूरे इंडोर में नहीं रख सकते, जब भी हमें ऐसे धूप, सुबह की धूप में ऐसे बाहर ला के रख सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे विंडो के पास भी रख सकते हैं। और इसकी पानी जो है, हम हफ्ते में एक बार इसकी पानी भी चेंज करनी चाहिए। एक ही पानी में नहीं रखना है, हमारे ये पौधे की रूट्स गल जाता है। हम ये मनी प्लांट तो हम पानी में भी लगा सकते हैं, नहीं तो हम मिट्टी में भी लगा सकते हैं। ये इजी ग्रोइंग पौधा है और हार्डी पौधा है। हम इसकी ज़्यादा केयर लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बार बार इसको कंपोस्ट भी देने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत ही अच्छा एयर प्योरीफाइंग पौधा तो है ही। इसकी कटिंग हम इजीली ग्रो कर सकते हैं, किसी सीज़न में हम इसकी छोटी सी कटिंग भी हम पानी में लगा सकते हैं, पानी में प्रोपोगेट करके फिर हम मिट्टी में भी लगा सकते हैं इस पौधे को। मेरे पास चार पांच वैरायटी का है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।